ये हमारा पापड़ से बनने वाला सिगार रोल, जो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में और बनाना बिल्कुल ही आसान है। आइए और जल्दी से बना लेते हैं हमारा पापड़ सिगार रोल। रेसिपी बनाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चले और झटपट बना लेते हैं हमारा सिगार रोल। लेट्स स्टार्ट बाई ग्रेटिंग द पनीर। आई एम यूजिंग 200 ग्राम्स ऑफ पनीर हियर। यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहूंगी कि जब भी हम चीज या पनीर ग्रेट करते हैं तो ग्रेटर को आप थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे तो आपके चीज और पनीर बहुत ही इजीली ग्रेट हो जाएंगे, जो मैं भूल गई थी आज, इसलिए मैं अभी कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे 2 चीज़ क्यूब्स ग्रेट कर रही हूँ। आप चीज़ की मात्रा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम डाल देंगे 2 ग्रीन चिलीज़, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। बहुत ही बारीक बारीक इन्हें चॉप कीजिए। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी कश्मीरी रेड चिली। अब डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, आप इसमें चाहे तो पुदीना भी बारीक कट करके डाल सकते हैं। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब हमारा स्टफिंग पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब मैंने एक बर्तन में पानी लिए है, उसमें मैं ये पापड़ लूंगी और पापड़ को 10 से 15 सेकंड के लिए मैं इसे भिगा दूंगी। अब हम इसमें स्टफिंग डाल देंगे। और इस पापड़ को हम हल्के हाथ से ऐसे रोल कर लेंगे। अब मैं एक बेकिंग डिश को ग्रीस कर रही हूँ ऑयल लगा के। अब पापड़ को इस तरह से प्लेस कर लीजिए। मैं ऐसे सारे पापड़ों को रोल कर लूंगी। अब इन्हें जरा टाइट रोल कीजिए। ऑयल स्प्रे करके मैं इन्हें ओवन पे ग्रिल कर लूंगी। अब इन्हें तवे पे भी कर सकते हो, बट ओवन में ज़रा आसान हो जाएगा ये। मैंने इन्हें ओवन में 15 मिनट 180 डिग्री सेल्सियस पे ग्रिल किया था, और अब देखिए तैयार है। अब थोड़ा ठंडा करके हम इन्हें सर्व कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल तैयार है। मैं पापड़ के ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च स्प्रिंकल कर रही हूँ और थोड़ी चाट मसाला भी मिला लीजिए, इससे एक बहुत ही चटपटा स्वाद आएगा। और अब इसे आप एंजॉय कीजिए, और फिर हम मिलते हैं अगली बार और एक इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ।